उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में अगले दो दिनों के दौरान ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम पूर्व भारत और मध्य भारत के राज्यों में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 7 फरवरी को उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के सुदूर इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं अगर शीतलहर की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 7 फरवरी को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज नई दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज लखनऊ में मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा। गाजियाबाद की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज गाजियाबाद में कुहासा रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। वहीं मेघालय, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। गंगी पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सर्दी और सूरज के बीच एक दूसरे को पछाड़ने की जोड़ अजमाइश चल रही थी। कुछ दिनों के बाद जब दोनों सुस्त पड़ गए तो बादलों को मौका मिल गया और अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए आसमान पर आ डटे। पश्चिमी विक्षोभ के साथ आए बादलों ने रविवार और सोमवार को मौसम विभाग के सभी अनुमान ध्वस्त कर दिए। रविवार रात भर शहर में झमाझम बारिश होती रही। इससे शहर में 26.4 मिलीमीटर पानी बरस गया, जो फरवरी माह में होने वाली औसत वर्षा 14.3 मिलीमीटर से भी 12.1 मिलीमीटर ज्यादा है। मौसम ने रविवार की सुबह करवट ली, जिससे पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश हो गई। यह बदलाव इस साल दूसरी बार हुआ है। इससे पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश बर्फबारी के चलते प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें, फरवरी की शुरुआत बारिश बर्फबारी के साथ हुई थी। एक दिन मौसम साफ रहने के बाद 4 फरवरी को फिर मौसम बदला तो सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी देहरादून में सुबह से शुरू हुई बारिश दिन में कई बार रुक रुक कर होती रही, जिसके चलते देहरादून का अधिकतम तापमान 5 डिग्री की कमी के साथ 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।